हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश और आपका स्वागत है और एक नए वीडियोस पे। तो दोस्तों, आप भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हो, 400 500 से भी ज़्यादा अपलोड कर चुके हो, लेकिन फिर भी व्यूज़ आपके अंदर एक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। ऐसे में और आप सब लोग जो है डीमोटिवेट हो चुके हो और सोच रहे हो कि YouTube को क्विट कर दें, यानी कि YouTube को बंद कर दें, YouTube को छोड़ दें। पर मैं बता देता हूँ कि YouTube छोड़ने से या फिर क्विट करने से ये इसका सोल्यूशन नहीं है। YouTube छोड़ने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना, क्योंकि आज कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा, इनके बारे में सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाए और सही तरीका पता चलेगा कि आप कैसे मतलब कि वीडियोस बनाओगे और क्या करोगे ताकि आपके चैनल के अंदर थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाएंगे। जो नहीं आ रहा है उसमें कम से कम थोड़ा भी व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। डरने की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, आप खामखा जो है डर रहे हैं और इसे जो है छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके साथ ही हुआ है और ये सभी के साथ लगभग होता है, तो आपके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और क्या क्या सही है क्या क्या गलत है आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे के जाने वाला हूं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैनल को बना लेते हैं, चैनल तो बना लेते हैं अच्छे खासे नाम वगैरह सब कुछ दे के, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आती है मेन चीज़, जिसे हम ढूंढते ही रहते हैं, कभी मिलता ही नहीं है। चलो टॉपिक मिल गया, टॉपिक मिलने के बाद अभी हम क्या करते हैं, वीडियो शूट करने के लिए लग जाते हैं। पर वीडियो शूट करोगे कैसे, उस टॉपिक को अच्छे से अगर जान नहीं पाओगे तो वीडियो कैसे शूट करोगे। चलो जान लेते हैं और वीडियो को भी शूट करते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बिना रिकॉर्ड बटन को दबाए ही हम जो है बकबक करने लग जाते हैं और सब कुछ जो है बोल लेते हैं और सोचते हैं कि वीडियो ख़त्म हो गया है, चलो देखते हैं, लेकिन वीडियो ही शुरू नहीं होता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको जो है रिकॉर्डिंग चेक करना है, साउंड वगैरह सब कुछ जो है चेक कर लेना है कि चल रहा है या फिर नहीं, और फिर जाकर आपको जो है अपने हिसाब से वीडियोस को बना लेना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में वीडियोस बनाते हैं, तभी आप ऐसा होता है। और दोस्तों, कई बार तो ये हो जाता है कि हमारा जो है स्टोरेज फुल हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो है बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है, कई बार हमारा जो है लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से हम जो है हमारे मोबाइल को चार्ज भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है लाइफ जो है यहाँ पर वीडियोज़ ही बनाने में ही टाइम निकल जाता है। आप किसी तरह हम जो है इधर उधर करके वीडियोज़ को बना लेते हैं। फिर आते हैं हम एडिटिंग के पार्ट में। जब हम वीडियोज़ को एडिट कर रहे होते हैं, जब हम बीच वाला पोर्शन को काटने वाले होते हैं, तो लास्ट वाला कट जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, या फिर कभी भी सब कुछ भी डिलीट हो जाता है, जैसे कि फिर से लाकर जो है हमें एडिट करना पड़ता है। और कई बार तो इसमें जो है साउंड वगैरह नॉइज़ वगैरह आ जाते हैं, या फिर कई बार माइक बिना लगाए ही जो है मतलब कि माइक काम नहीं करता है, कई बार ऐसा हो जाता है, और उसे भी जो है हमें मेकअप करना पड़ता है। और कई बार तो कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह दिख जाते हैं जिसे हमें ब्लर करना भी पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें ऐसा होता है, ठीक है, आप लोगों को भी ये पता होगा। आप जैसा तैसे करके वीडियोस को एडिट तो कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है थंबनेल एडिट करना पड़ता है। थंबनेल एडिट करने के लिए हमें जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना पड़ता है आपको, जैसे कि मान लेते हैं किसी अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है मनी वाला पार्ट लाना होता है, जैसे कि पैसों वाला पार्ट, और हम जो है गूगल पे सर्च करते हैं और उस पैसों वाला पार्ट को ढूंढ ढूंढ के ही जो है मतलब कि यहाँ पर घंटों लग जाते हैं। जब मिल जाता है तब उसे ला के जो है यहाँ पर हम जो है मतलब कि जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पर हम डालते हैं हमारा थंबनेल बनाने के लिए। अब थंबनेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा थंबनेल होगा उतना ही ज़्यादा व्यूज़ आएगा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट में आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाएगा क्या क्या आपको जो है किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है ताकि आपके चैनल के अंदर व्यूज आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं थंबनेल के बारे में। थंबनेल बनाते वक्त हमको ये सोचना होता है कि आखिर लोग क्या लगाने पर वीडियो को क्लिक करेंगे, क्या लिखेंगे ताकि लोग इसको जो है देखने पर क्लिक करेंगे, अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर नहीं। हम बार बार सोचते रहते हैं और बार बार चेंजेस करते रहते हैं और बार बार जो है यहाँ पर जो है घंटों समय जो है यहाँ पर बिता देते हैं, फिर किसी तरह जो है हमारा थंबनेल हो जाता है तैयार। इतना हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम बिताने के बाद, 5-10 घंटे बिताने के बाद एक वीडियो रेडी हो गया, एक थंबनेल रेडी हो गया। अब बात आती है, तो दोस्तों अब आती है वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने में घंटों लग जाता है, ये आपको पता होगा। जितना ज़्यादा लंबा वीडियोज़ होगा, जितना ज़्यादा मतलब कि
GB होगा आपका वीडियोस, 1 GB 2 GB जैसा होगा वैसे ही आपका टाइम लगेगा, प्लस डेटा भी आपका जो है खर्च होगा। अब यहाँ पर होता यह है, वीडियो अपलोड करते वक्त भी हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि टाइटल लिखना पड़ता है। टाइटल को अगर सही से नहीं लिखोगे तो लोगों तक नहीं पहुँचेगा। टाइटल भी क्या रखें ताकि लोग यहाँ से जो है क्लिक कर ले, टाइटल को छोटा रखे या फिर टाइटल को लंबा रखे, बड़ा रखे, कैसा रखे हमें भी खुद नहीं पता है, ठीक है। हम ये भी आप सोचते हो और किसी तरीके से जो है कहीं उधर इधर से करके जो है हम टाइटल को भी लिख लेते हैं, ठीक है। टाइटल को लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, तो हमें जो है उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है हम कुछ ना कुछ करके जो है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को लगा देते हैं। अब इन सब को जो है अपलोड करने के बाद हम हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट हम चेक करते रहते हैं कि व्यूज़ आया या फिर नहीं, व्यूज़ आया या फिर नहीं। घंटों बिता दिए लेकिन यहाँ पर व्यूज़ वहीं के वहीं रहता है। दो चार व्यूज़ आता है फिर रुक जाता है, दो चार व्यूज़ आता है फिर रुक जाता है। सारा चीज़ें सही से कर लिया, घंटों बिता दिया, घंटों टाइम लगा दिया, यहाँ पर जो है मतलब कि एक दिन दो दिन लगा देते हैं एक वीडियोस को बनाने में, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यूज़ घंटा नहीं आता है, ठीक है। एक दो व्यूज़ आता है और फिर रुक जाता है। ऐसे में हम इस सोच के टेंशन हो जाते हैं कि आखिर हमें YouTube को क्विट कर लेना चाहिए, हमारे बस में नहीं होगा, हम YouTube को छोड़ देंगे, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। जो भी व्यूज़ आ रहा है, 4-5 जो भी व्यूज़ आ रहा है, आ तो रहे हैं ना, कम से कम ना आने के मुकाबले कम से कम आ तो रहे हैं, उसे हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे जो है रोक नहीं सकते, लेकिन बढ़ा तो सकते हैं ना। कैसे बढ़ाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या बनाना है वीडियोस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग क्या देखेंगे, क्या बनाने से क्या देखेंगे, ये अगर आपको पता चल गया तो आप जो है वीडियोस बना पाओगे अच्छे से, और उस अच्छे वीडियोस को अपलोड करोगे तो ही लोग आपके वीडियोस को देखेंगे। आप जो वीडियोस कंटेंट बना रहे हो, लोग उस कंटेंट को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर लोग क्या देखना चाहते हैं ये आपको पता करना होगा। और ये पता करने का सबसे आसान तरीका भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जो है 3-4 चीज़ों का जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़ कंटेंट कौन सा बना रहे हो, दूसरा चीज़ कौन सा चीज़ दोस्तों कंसिस्टेंसी, तीसरा चीज़ आपका जो हो वीकेंड में वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, संडे या फिर सैटरडे कब अपलोड करना है ये भी बताऊंगा। चौथा चीज़ जो है दोस्तों लोगों के साथ कंपेयर मत करो। लोगों के साथ कंपेयर मतलब यहाँ पर उसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, ऐसे में मैं जो है यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहला चीज़ ये है कि आपको वीकेंड पर वीडियोज़ अपलोड करना है। वीकेंड पर मतलब सैटरडे को आपको जो है 11 AM से जो है आपको वीडियोस को अपलोड करना है। 11 AM से इसलिए क्योंकि 10 बजे तक जो है लोगों के जो है छुट्टी नहीं होती है, 12 बजे के पास जो है छुट्टी हो जाती है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, 11 AM को वीडियोस अपलोड करना है, जो भी वीडियोस आपने बनाया है उसी को, और फिर सारा दिन जो है लोग फ्री रहते हैं तो उसमें जो है देखने के चांसेस जो है आपका 50% कम से कम बन जाता है। और फिर संडे को जो है सुबह अपलोड कर लेना है। सुबह अपलोड करने से लोग छुट्टी में रहते हैं तो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर होगा ये कि लोग जो है नोटिफिकेशन आने पर साथ क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर सजेस्टेड में अगर चला जाता है आपका वीडियोस तो लोग देखेंगे ही देखेंगे ज़रूर से, अगर अच्छा रहेगा वीडियोस, अच्छे चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो। अब हम बात करते हैं कि आखिर आप क्या वीडियोस बनाओ ताकि लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, कौन से चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाओगे ताकि लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एनालिटिक्स पे चले जाना है। एनालिटिक्स पे जाने के बाद यहाँ पर एक टैब होगा रिसर्च टैब, उस पर आपको चेक कर लेना है। अगर आपका कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है तो यूट्यूब पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो चेक कर लेना है, और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें टॉपिक्स मिल जाते हैं तो उन्हीं रिलेटेड टॉपिक्स को आपको बना लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि आप क्या बना पाओगे उसी से रिलेटेड, और आप किस में खास हो, आपको क्या बहुत अच्छे तरीके से पता है उस चीज़ को आपको जो है बनाना है और उसी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाना है। अगर उल्टा सीधा वीडियोस बना देते हो इधर उधर की चीज़ तो आपके अंदर तो व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि आज मान लेते हैं डांसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर दिया, कल मतलब कि ड्रामा रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर लिया, परसों जो है आपने जो है मतलब कि स्टडी रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दिया तो कोई नहीं देखेगा, ये मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग होने पर कोई भी वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और वीडियोस को जो भी चीज़ बना रहे हो उसी को एक ही रिलेटेड वीडियोस बनाओ, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो ही वीडियोस में व्यूज़ आएंगे। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आप जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन जरूर करना, नहीं तो चैनल बहुत ज़्यादा डेड हो जाता है। जैसा कि मेरा 8000 सब्सक्राइबर है लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी अपलोड नहीं किया है, मतलब कि कंसिस्टेंसी जो है काम नहीं किया, रेगुलरली काम नहीं किया, इसलिए जो है आज मेरा ये हाल है। आप देख सकते हो 8000 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं
कि आप लोगों से कंपेयर क्यों नहीं करना चाहते। मान लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, आएगा ही, क्योंकि वो वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, वैसे चीज़ अपलोड कर रहा है, इसलिए उसका व्यूज़ आ रहा है। तो मान लेते हैं उसका व्यूज़ आ रहा है और आपका कम आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि अरे यार उसका बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, ये वो, मतलब कि आप जो है मतलब कि डीमोटिवेट हो जाते हो। डीमोटिवेट होना ही नहीं है, कम से कम व्यूज़ तो आ रहा है आपका, जो भी व्यूज़ आ रहा है उसे आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारा चीज़ें आपको जो है खुद ही करना होगा, खुद ही डिसाइड करना होगा, और फिर आपको आगे बढ़ना है या फिर नीचे। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, अगर नीचे जाना है, नीचे जाना ही था, तो आपने शुरू ही क्यों किया, इस दिन के लिए शुरू किया था क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा। आप बस कंसिस्टेंसी जो है, आप वीडियोस अपलोड करते रहो रेगुलरली, व्यूज़ एक ना एक दिन जरूर आएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।